नमस्कार, आप देख रहे विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ जैन। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिले में गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास और पूर्ण गरिमामय रूप से मनाया गया। गणतंत्र दिवस पर मुख्य समारोह जिला मुख्यालय स्थित पुलिस पैरेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। मुख्य समारोह में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने ध्वजारोहण किया। समारोह में विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा फास्ट मार्च एवं देशभक्ति गानों पर नृत्य प्रस्तुति दी। इनके पश्चात विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय उपलब्धियों एवं योजनाओं पर आधारित झांकी प्रदर्शन किया गया और अंत में विजेताओं को पुरस्कार वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें उनके शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति गानों पर सामूहिक नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। समारोह में सेंट एस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा मध्य प्रदेश के गान का गायन किया। इसी प्रकार IES स्कूल द्वारा समूह नृत्य, लुर्द माता स्कूल के दल द्वारा समूह नृत्य, शासकीय CM राइज मनुबेन उमावी द्वारा समूह नृत्य, सरस्वती कथक कला केंद्र द्वारा समूह नृत्य, ऑक्सफोर्ड उच्चार माध्यमिक विद्यालय द्वारा समूह नृत्य तथा सेंटी मैरी रेसिडेंशियल स्कूल द्वारा समूह नृत्य की प्रस्तुति दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह में शासकीय योजनाओं की थीम पर अनेक विभागों द्वारा झांकियां निकाली गई। समारोह के किसान कल्याण एक कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला व बाल विकास विभाग सहित अनेक विभागों द्वारा विभागीय उपलब्धियों एवं योजनाओं पर आधारित झांकी का प्रदर्शन किया। भारतीय निर्माण के लिए हम सब अद्भुत आत्मनिर्भर और अतुल्य मध्य प्रदेश के निर्माण का शुभ संकल्प ले एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक प्रदीप पटेल, विधायक मऊगंज, अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त। ग्वालियर में गणतंत्र दिवस शांतिपूर्ण ढंग से मन सके इसके लिए शहर की सीमाओं की सील कर दिया गया और रात भर पुलिस गश्त करते हुए वाहनों की तलाशी ले रही। पुलिस अधिकारियों ने चेक किया। रात्रि गश्त पर निकले अफसर और जवानों ने शहर की सड़कों पर घूमते हुए वाहनों की तलाशी ली और गलियों में घूमकर चेकिंग की। बम डिस्पोजल दस्ते रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित सार्वजनिक स्थल की तलाशी ली। गणतंत्र दिवस शांतिपूर्ण ढंग से मन सके इसके लिए पुलिस जवान अलर्ट है। जवान और अफसर संदिग्ध नजर आने वाले की जांच कर रहे हैं और तस्दीक के बाद ही आने जाने दे रहे हैं। रात 10 बजे से ही पुलिस ने शहर की नाकाबंदी कर दी और शहर की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों की बारीकी से तलाशी ली जा रही थी, जिससे कोई भी बदमाश शहर में प्रवेश नहीं कर सके। शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 700 जवान की तैनाती की गई। चौराहे से लेकर तंग गलियों में पुलिस के जवान बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की तलाशी ले रहे हैं। शहर में पुलिस अफसर रात से ही होटल, धर्मशालाओं व गेस्ट हाउस में जाकर रुकने वाले यात्रियों की तलाशी लेते हुए आईडी प्रूफ देख रहे हैं। पुलिस ने होटल व धर्मशालाओं में पहुंचकर यात्रियों के कमरों की तलाशी लेने के साथ ही होटल के रजिस्टर भी चेक किए। जिन लोगों पर संदेह नजर आया उनसे थाने लाकर पूछताछ की। बम डिस्पोजल दस्ता व डॉग स्क्वाड ने रात से ही शहर भर में घूमते हुए तलाशी लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले बम डिस्पोजल दस्ता रेलवे स्टेशन पहुंचा और आने जाने वाले यात्रियों के सामान की तलाशी ली। इसके बाद दस्ता बस स्टैंड पहुंचा और यहां पर भी चेकिंग अभियान चलाया। सुबह होते ही बम डिस्पोजल दस्ते में सलासर मॉल, दीनदयाल मॉल सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग की। इस पर SSP ग्वालियर अमित सांधी ने बताया कि गणतंत्र दिवस शांतिपूर्ण ढंग से मन सके इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम पूरे कर लिए हैं। सुरक्षा के लिए थाना पुलिस सहित अतिरिक्त जवान लगाए गए हैं। शहर के नाकों पर कड़ी चेकिंग के बाद ही वाहनों के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक सुमन साकेत, जनपद अध्यक्ष प्रदीप दुबे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी वेदमणि त्रिपाठी, लेखा अधिकारी जनपद रायपुर करचुलिया। जनपद पंचायत जवा की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक जनपद अध्यक्ष रन्नू बीडी पांडे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी SK मिश्रा।
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर निवाड़ी जिले में धार्मिक व पर्यटन नगरी ओरछा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बेतवा नदी किनारे बुधवार शाम को हुए इस सांस्कृतिक में प्रसिद्ध गायक आकृति मेहरा और प्रवेश देशभक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। तेज ठंड और कोहरे के बीच बुधवार शाम 7 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आकृति मेहरा ने भी श्री रामचंद्र कृणालु भजमन हरण भव भय दारुणम भक्ति गीत के साथ संगीत निशा का आगाज किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन ओपीएस भदौरिया ने की। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आकृति मेहरा और प्रवेश ने देशभक्ति के ओतप्रोत गीतों की प्रस्तुत दी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी से समा बांधा मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति दी। गायन का सिलसिला देर रात तक चला। श्रोता देशभक्ति के तरानों का आनंद लेते रहे। कार्यक्रम के दौरान बेतवा आरती की गई। सांस्कृतिक आयोजन के शामिल होने पहुंचे नागरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया मीडिया से चर्चा में ओरछा को आने वाले दिनों में मिलने वाली सौगातों के बारे में विस्तार से बताया। मीडिया से चर्चा के नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे राम राजा सरकार की नगरी ओरछा में आने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उज्जैन में बने महालोक के तर्ज पर ओरछा के राम राजा लोक को बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ओरछा को अभूतपूर्व सौगातें मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ओरछा को विकसित कर रही है, इसके पर्यटन के साथ रोजगार भी बढ़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार यह भी प्रयास ओरछा नगरवासियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। जय अम्बे एसोसिएट स्वराज ट्रैक्टर बाईपास मऊगंज जिला रीवा की ओर से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक श्रीमती संतोष सिंह सिसोदिया, पूर्व जनपद अध्यक्ष मऊगंज, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा रीवा एवं स्वदीप सिंह रिचि, पूर्व अध्यक्ष कृषि उपज मंडी हनुमना। 7 वर्षीय बालिका की जहरीले पदार्थ खाने से बुधवार को मौत हो गई। दूसरी बच्ची का इलाज चल रहा है। घटना नगर पंचायत अमरकंटक के वार्ड क्रमांक 3 हिंडोलाको की है। बुधवार को ही अमरकंटक के वार्ड क्रमांक 3 हिंडोलाको के निवासी रामलाल की 7 वर्षीय पुत्री निधि ने जहरीले पदार्थ खा लिया। इसके बाद उसकी मौत हो गई। दूसरी का इलाज जारी है। बताया गया कि कुछ बच्चियों खेल रही थी, उसी समय बालिका निधि चक्कर खाकर गिर गई। इसके स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने जांच उपरांत मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि खेल खेल में कई ऐसा जहरीले पदार्थ या फल खा लिया, जिससे बच्चियों की हालत बिगड़ गई। इस दौरान करीब 4 से 5 बालिकाएं वहां मौजूद थी। घटना की जानकारी मिलते हुए मोहल्ले के लोग तुरंत सभी बच्चियों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमरकंटक लेकर आए। दूसरी बालिका को प्राथमिक इलाज देने के बाद तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़ भेजा गया। जिस बच्ची की मौत हुई उसकी माँ जेल में है, पिता मजदूरी करता है। वह घटना के कुछ देर बाद पहुंचा। पुलिस ने इस मामले में पंचनामा जांच करवाई कर मामले की मर्द कायम किया है। अन्य दूसरी बालिकाओं की हालत ठीक है। सभी देश एवं प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं यह गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने क्षेत्र के लोगों के सुखद जीवन की कामना करता हूं। साथ में लोगों से यह अपील करता हूं कि क्षेत्र में भाईचारा, मधुरता एवं गणतंत्र दिवस का जो उद्देश्य है कि लोगों को संगठित रहना, एक साथ रहना, आपसी भाईचारा बना रहना और एक नई ऊर्जा के संचार के साथ हम सब गणतंत्र दिवस मनाएं और अपने देश के हित में निर्णय लें, अपने देश के हित के बारे में सोचें और अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचें एवं सभी पंचायत राज प्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं, पूरे जिले के, पूरे प्रदेश के, पंचायत स्तर के प्रतिनिधि, पंच भाई को मैं अपने जनाधिकार पंचायत राज संगठन की तरफ से गणतंत्र दिवस की एवं नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूँ। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार। भोपाल में सिलसिलेवार ठगी करने वाले दिल्ली से मंगलवार को गिरफ्तार लेडी जलासाज मीना को क्राइम ब्रांच बुधवार शाम भोपाल लेकर पहुंची। प्रारंभिक पूछताछ में मीना ने पुलिस को बताया कि वह प्रेमी और जेठ देवर के साथ मिलकर देश भर में अलग अलग शहरों में ठगी कर चुकी है।
दिल्ली के रहने वाले मीना हत्या की कोशिश के आरोप में प्रेमी के साथ तिहाड़ जेल से बंद हो चुकी है। जेल से रिहा होने के बाद उसने प्रेमी और जेठ देवर के साथ मिलकर गिरोह बनाया। इसके बाद बिहार, यूपी और एमपी में कई सिलसिलेवार ठगी की वारदातों को अंजाम दिया। गिरोह के निशाने पर जेवर पहनी हुई बुजुर्ग महिलाएं रहती है। साल भर पहले भी वह भोपाल में वारदात कर दिल्ली चली गई थी। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सुल्तानपुरी दिल्ली की रहने वाली मीना राठौर उर्फ मीना सोलंकी की शादी 13 साल पहले गांधीनगर भोपाल के रहने वाले किशन से हुई। पति के नशे की आदि होने की वजह से वो अलग हो गई। इस दौरान मीना की मुलाकात सोनू खान से हुई। दोनों की दोस्ती बढ़ गई और दोनों साथ साथ रहने लगे। मीना के घर में पारिवारिक विवाद हुआ, जिसमें दोनों की हत्या की कोशिश के आरोप में तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा। जेल के छूटने के बाद मीना अपने प्रेमी सोनू और जेठ देवर राज और सीता राम के साथ गैंग बनाकर ठगी करने लगी। सिलसिलेवार ठगी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सबसे पहले तीनों घटना स्थलों के आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए। सीसीटीवी में ठगी करने वाले गैंग की उपस्थिति मिली, जिसमें तीनों घटनाओं को एक गैंग द्वारा अंजाम देना पाया गया। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि इस तरह के लोग दिल्ली से शादी समारोह में शामिल होने गांधीनगर आए थे, जो 19 जनवरी को लौट गए। इसके बाद टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई। 3 दिन तलाश करने के बाद 23 जनवरी को क्राइम ब्रांच टीम के सुल्तानपुरी आउटर दिल्ली के रहने वाले मीना को हिरासत लेकर पूछताछ की, तो उसने अपने साथी सोनू और जेठ देवर के साथ मिलकर भोपाल में 3 घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूल की। आरोपी महिला के पास टीटी नगर वाली घटना के आभूषण भी जब्त किए गए। गिरोह सक्रिय था, जिसकी वारदातों के कारण काफी सनसनी फैली थी। यह ठग गिरोह बुजुर्ग महिलाओं को शिकार बनाता था, उनके जेवर पैसे दिखाकर, नोट की गड्डियां दिखाकर जेवर बदलता था और उनको नकली बेंटेस के जेवर दे दिया करता था। इसके लिए ग्रुप में जो महिला है, जो ठग क्वीन है, उसके अलावा उसके परिवार के सदस्य देवर जेठ और ये व्यक्ति शामिल हैं। महिला मूलतः है, दिल्ली से है। समस्त मध्य प्रदेश वासियों को, भारत वासियों को, बिंद वासियों को, रीवा वासियों को और नई गढ़ी जनपद के समस्त माता बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, युवा बेरोजगारों को, आउटसोर्स कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को, अति शिक्षकों को, किसान भाइयों को, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे जो संवैधानिक मूल्य एक स्वतंत्र गणराज्य के हर नागरिक को मिले थे, वो मिले। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, आप सबको मिले। इसके लिए हम सबको प्रयास करने की जरूरत। हमारा राष्ट्र, हमारा गांव, हमारा है और इसको सुंदर बनाने के लिए सब प्रयास करें। आपका नई गढ़ी जनपद और नई गढ़ी का हर गांव एक स्वर्णिम और आदर्श गांव बने, इसके लिए हम सब मिलकर एक सामूहिक प्रयास करें। हमारे मौलिक अधिकार हमें मिले और हमारे समाज के अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति को मिले, उसके लिए भी हम सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। आप सबको एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। जय हिंद, जय बिंद, जय अगस्त क्रांति, जय हिंद। शाहरुख खान की मूवी पठान के विरोध के बाद इंदौर में धर्म विशेष के खिलाफ बुधवार को जमकर नारेबाजी हुई। इसके बाद उपजे सांप्रदायिक विवाद में छतरपुरा पुलिस ने 4 युवकों की पहचान कर उन्हें गुरुवार को हिरासत में ले लिया है। वहीं बड़वाली चौकी पर भीड़ इकट्ठा कर नारेबाजी करने वालों के खिलाफ सदर बाजार पुलिस ने केस दर्ज किया है। इधर चंदन नगर भी एक हिंदुत्ववादी के संगठन के कार्यकर्ता के फिल्म के दौरान नारेबाजी करने पर मुस्लिम युवकों ने मारपीट की, जिसमें पुलिस ने एक मुस्लिम युवक और उसके साथियों को आरोपी बनाया है। छतरपुरा पुलिस ने मुफ्ती सैयद साबिर की शिकायत पर धार्मिक नारेबाजी करने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कमिश्नर हरि नारायण चारी से भी मुस्लिम समुदाय के लोग मिलने पहुंचे थे। इस मामले के छतरपुरा पुलिस ने रात में 4 लोगों की पहचान करते हुए सन्नी पुत्र विनोद मेवारे, भारत पुत्र किशन सौदे, राकेश पुत्र कन्हैया लाल ओटकर और विकास ओटकर को हिरासत में ले लिया है। सभी पर अन्य और धाराओं की भी कार्रवाई की जा रही है। कस्तूर सिनेमा के बाहर हुई नारेबाजी के वर्ग विशेष के लोगों ने चंदन नगर थाने को घेराव किया था।
यह बात सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बड़वाली चौकी, छतरपुरा, खजराना और शहर के अन्य मुस्लिम बहुल इलाके में भी भीड़ सड़क पर उतरकर नारेबाजी करने लगी। बड़वाली चौकी पर युवकों ने धर्म को लेकर जमकर नारे लगाए। यहां सदर बाजार थाने के स्टाफ ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद दहशत के चलते दुकानदारों ने दुकान बंद कर ली थी। रात में सिपाही की शिकायत पर मुस्लिम समाज के कुछ लोगों पर इकट्ठा होकर दूसरे समुदाय के प्रति शत्रुता, घृणा व मनसे की भावना फैलाने के मामले में केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक यहां डीसीपी और एसीपी सहित कई अफसर मौके पर मौजूद थे, लेकिन भीड़ को देखकर उन्होंने थाने के स्टाफ को आगे कर दिया। बाद में यहां फोर्स बुलाना पड़ा। देर रात तक यहां पुलिस बल तैनात रहा। चंदन नगर पुलिस ने भी प्रकाश पुत्र भागीरथ वर्मा निवासी राजकुमार नगर धार रोड की शिकायत पर एजाज निवासी रप्पा कॉलोनी और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रकाश ने पुलिस में शिकायत है कि एजाज व उसके साथ अन्य लोग आए और अपशब्द कहने लगे। उस पर आरोप लगाया है कि उसने कस्तूर टॉकीज के सामने मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रकाश ने बताया कि वह अपने काम पर जा रहा था, भीड़ देखकर रुक गया था, लेकिन नारेबाजी की बात इनकार किया, लेकिन सभी ने घर में घुसकर तोड़फाड़ और मारपीट की। उसने जैसे तैसे लोगों के माध्यम से हाथ पैर जोड़कर अपनी जान बचाई।